हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई जस्ट होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो आपका मेरे चैनल कुको मिनिया बाय काजल में स्वागत है। तो आज मैंने आप लोगों के लिए बनाया है नारियल के लड्डू। आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना है इसे और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। नारियल के लड्डू बनाने के लिए मुझे लगेगा 2 कटोरी नारियल का बुरादा। सेम इसी कटोरी से मैंने 2 कटोरी जो है मेजर किया है नारियल का बुरादा। और 2/3 लगेगी शुगर, 2/3 मिल्क, 1/3 लगेगा मिल्क पाउडर और 1 टेबलस्पून देसी घी है। और ये है नारियल का बुरादा और डेसिकेटेड कोकोनट, ये भी मैंने 1 कटोरी लिया है। तो चलिए बना लेते हैं। गैस को मैंने ऑन कर दिया है, कढ़ाई रख दी है और देसी घी भी मैंने डाल दिया है जो कि मेल्ट हो गया है। चलिए अब हम डाल देते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। फ्लेम को लो रखा हुआ है मैंने और इसको लॉन्ग फ्लेम में ही पकाना है, अच्छे से चलाते रहना है। 2 मिनट मैंने लो फ्लेम में भूना है, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दिया। 3 मिनट लगभग मुझे भूनते हुए हो गए हैं मीडियम फ्लेम में। तो देखते हैं, थोड़ा सा कलर जो है चेंज आपको नजर आ रहा होगा। तो बस टोटल 5 मिनट ही भुनाई की है मैंने, जिससे घी की खुशबू भी इसमें रच गई है अच्छे से। और अब हम डालेंगे दूध। मिला लेना है अच्छे से दूध को। मिलाते रहना है जब तक कि दूध जो मैंने डाला था वो पूरा जो है नारियल अब्सॉर्ब कर ले। तो लगभग इस काम में 2 मिनट लगेंगे, वो भी मीडियम फ्लेम में। 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम चीनी डाल देंगे और अच्छे से इसे भी मिला लेना है। मिठास तो लगेगी, नारियल के लड्डू जो है डालनी पड़ेगी। चीनी ने मॉइस्चर छोड़ा था और जिस वजह से जो है मिक्सचर पूरा गीला हो गया था। अब उसे भूनना पड़ा मुझे 2 मिनट तक, जिससे कि जो भी पानी था वो सूख जाए। चीनी ने जो रिलीज किया था पानी, तो अब मैं डाल दे रही हूँ मिल्क पाउडर, इसे भी मिला लेना है। अच्छे से मिलाते जाना है। दूध डालने के बाद लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। इसमें से मैंने 1 मिनट ही इसको मिल्क के साथ जो है चलाया है। तो चलिए अब इसके लड्डू बना लेते हैं। मिक्सचर को मैंने बाउल में निकाल लिया है और अब इसके लड्डू बनाएंगे। जब हल्का गर्म हो तभी लड्डू बनाना स्टार्ट करना है। तो ये अभी हल्का गर्म है, चलिए इसका निकाल लेती हूँ मैं एक बॉल और उसको रेडी कर देते हैं। आराम आराम से करेंगे ताकि अच्छे से इसकी बॉल बन जाए। तो ये बनकर रेडी हो गया है। सारे लड्डू जो हैं राउंड कर चुकी हूँ मैं। अब इसमें ये नारियल के बुरादे की कोटिंग कर लेंगे। देखिए गाइस, सारे लड्डुओं पे मैंने डेसिकेटेड कोकोनट की कोटिंग कर दी है और लड्डू जो है बनकर खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं कल मिलती हूँ। थैंक यू।